हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप अपनी यूट्यूब चैनल पर मोटू पुतू कार्टून वीडियो को अपलोड करके यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं तो दोस्तों आपने भी सही वीडियो पर क्लिक कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले लोकेशन आप कैसे अपने मोबाइल फोन का यूज करके इस तरीके की मोटू पुतू कार्टून वीडियो को इजिली आप अपने मोबाइल फोन से बना सकते हो। लेकिन कैसे बनाना है अगर आप इसको जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। फ्रेंड्स, अगर आप यूट्यूब पर आते हो, यहाँ पर मोटू पुतू कार्टून को सर्च करते हो तो आपके सामने मोटू पुतू कार्टून के जितने भी एपिसोड आते हैं, फ्रेंड्स आप यहाँ पर सभी एपिसोड पर देख सकते हो मिलियंस ऑफ व्यूज है। यहाँ पर आप इनके किसी भी एपिसोड पर देख सकते हो मिलियंस ऑफ व्यूज। दोस्तों, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ, अगर आप इस तरीके के कंटेंट पर वर्क करते हो तो आप बहुत ही जल्द ग्रो कर सकते हो। आप अपने सभी वीडियो पर मिलियंस व्यूज आराम से ला सकते हो। दोस्तों, तो अगर आप मोटू पतलू कार्टून वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे इस तरीके की किसी वीडियो को अपने चैनल पर कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। बल्कि दोस्तों क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको यूट्यूब के सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है मोटू पतलू, देख सकते हो इस तरीके से मोटू पतलू, और इसके आगे आपको यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन इस तरीके से टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पर मोटू पतलू ग्रीन स्क्रीन टाइप करेंगे, आपके सामने मोटू पतलू ग्रीन स्क्रीन की काफ़ी सारी यहाँ पर वीडियो आ जाएंगी। और दोस्तों आपको बता दूँ कि फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी मोटू पतलू की ग्रीन स्क्रीन वीडियो फ्रेंड्स, ये सभी नो कॉपीराइट वीडियो है। यानी कि दोस्तों अगर आप इसको लेकर यूज करते हो तो इस पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं मिलेगा। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इसी तरीके से मोटू पतलू की ग्रीन स्क्रीन वीडियो को डाउनलोड कर लेना है और उसको डाउनलोड करने के बाद से किस तरीके से इसको बनाना चाहिए मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से मोटू पतलू कार्टून वीडियो की ग्रीन स्क्रीन वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। उसको डाउनलोड करने के बाद से फ्रेंड्स आपको इसको एडिट करना है। कैसे आपको इसको बनाना चाहिए मैं आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन में लेकर चलता हूँ और वहाँ पर मैं आपको फुल डिटेल में अच्छी तरीके से बता देता हूँ। दोस्तों, तो यहाँ पर काइनमास्टर एप्लीकेशन को यूट्यूब के रेशियो में 16:9 में सेलेक्ट करके ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पर कैसे आपको मोटू पतलू कार्टून वीडियो को बनाना है, देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पर मैंने एक बैकग्राउंड इमेज को डाउनलोड किया है, मैं यहाँ पर इसमें सेलेक्ट करके ले लेता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस इमेज को लेना है। फ्रेंड्स, आप इस इमेज को कैसे डाउनलोड कर सकते हो तो इसके लिए आपको जाना है गूगल पर और वहाँ पर आपको टाइप करना है कार्टून बैकग्राउंड इमेज। वहाँ पर आपके सामने काफी सारे कार्टून बैकग्राउंड इमेजेस आ जाएंगे, आपको जो भी अच्छा लगे आप अपने वीडियो के हिसाब से सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके बाद इसमें इस तरीके से ऐड करना है। दोस्तों, इसके बाद से बैकग्राउंड इमेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पैन एंड जूम का ऑप्शन दिखाई देगा, पैन एंड जूम पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इस इमेज को इस तरीके से थोड़ा सा जूम कर लेना है। आप यहाँ पर इसको इस तरीके से थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा। इसके बाद से यहाँ पर आपको इक्वल का ऑप्शन पर सेलेक्ट करके इसके स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन को लॉक कर देना है। इस तरीके से आप इसको कर लीजिएगा। इसके बाद से इमेज पर क्लिक करना है और इसको खींच कर इसके ड्यूरेशन को यहाँ पर आपको बढ़ा लेना है। यहाँ पर अपने वीडियो के टाइमिंग के हिसाब से इसको खींच कर कवर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इसको एक मिनट तक कर लेता हूँ, बाद में वीडियो के हिसाब से हम इसको कर लेंगे। इसके बाद से क्या करना है, यहाँ पर आपको उस ग्रीन स्क्रीन वीडियो को इसमें ऐड करना है जिसको कि दोस्तों आपने डाउनलोड किया। इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको लेयर का ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया में जाना है और जहाँ पर भी आपको वीडियो का सिंपली उस पर सेलेक्ट करके इसके टाइमलाइन में इस तरीके से ऐड कर लेना। तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ। आप अपने मोटू पतलू की ग्रीन स्क्रीन वीडियो को इसमें इस तरीके से ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद से देख सकते हो फ्रेंड्स, इस वीडियो में ग्रीन बैकग्राउंड है तो फ्रेंड्स आपको इसको कैसे रिमूव करना है, देखो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रोमा की का, क्रोमा की पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इसको इनेबल करना है। जैसे इनेबल करेंगे फ्रेंड्स, वीडियो से बैकग्राउंड हट चुका है, आप यहाँ पर इसको और बड़े तरीके से एडजस्ट कर सकते हो आप अपने हिसाब से। दोस्तों, वीडियो में कहीं पर भी ग्रीन शैडो नहीं दिखाई देना चाहिए तो फ्रेंड्स आप इसको और बड़े तरीके से यहाँ पर डिटेल में कर्व कर सकते हो, आप इसको बढ़िया से कर लीजिएगा। इस तरीके से आपको इसको करने के बाद से क्या करना है, आपको सिंपली इसको इस तरीके से खींचकर बड़ा कर लेना है। दोस्तों, आप इस तरीके से इसको बढ़िया से इस तरीके से बड़ा कर लीजिएगा, ओके। और इसके बाद से क्या करना है, आपको यहाँ पर इसके बीच में इस तरीके से ऐड कर लेना है। आप इसको बीच में इस तरीके से कर लीजिएगा, इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स आपका वीडियो यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों, इसको करने के बाद से आपको इस वीडियो के एंड में आना है। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा बैकग्राउंड इमेज है फ्रेंड्स वीडियो के लेंथ से छोटा है, तो आपको क्या करना है, इसको बराबर कर लेना है। आप इस पर क्लिक कीजिए और दोस्तों इसको खींचकर पूरी वीडियो में कवर कर लीजिएगा। इस तरीके से आप वीडियो के लेंथ के हिसाब से इसको कवर कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो तो फ्रेंड्स मैंने भी यहाँ तक इस बैकग्राउंड इमेज को कर लिया, आपको भी इस तरीके से कर लेना। अब आप यहाँ पर वीडियो को प्ले करके देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हो कितना बढ़िया से यहाँ पर एलिफेंट आ रहा है और इसके पीछे यहाँ पर देख सकते हो चिंगम सर, यहाँ पर जॉन और यहाँ पर मोटू पतलू घसीटा राम, इस तरीके से यहाँ पर आ रहे। फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से इस वीडियो को एडिट करना, यहाँ पर आप देख सकते हो कितना बढ़िया पर लग रहा है। दोस्तों, आप इस तरीके से इस वीडियो को बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हो। और फ्रेंड्स, इसको बनाकर फ्रेंड्स अगर आप अपने चैनल पर अपलोड करते हो फिर दोस्तों आपकी वीडियो में मिलियंस ऑफ व्यू जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस तरीके की कार्टून वीडियो को यूट्यूब पर काफी सारे लोग देखना पसंद करते हैं, बच्चे हो या फिर बड़े। तो दोस्तों आपको इस तरीके से इस वीडियो को बनाना है। यहाँ पर देख सकते हो कितना बढ़िया पर वीडियो हो चुका है। अब आपको क्या करना है, वीडियो पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको जाना है मिक्सर का ऑप्शन में और यहाँ पर आपको इसके ऑडियो को ऑफ कर देना है। आप यहाँ पर इसको बंद कर दीजिएगा। अगर दोस्तों इसमें कोई म्यूजिक हो तो फ्रेंड्स आपको इसको बंद कर देना है। यहाँ पर क्या करना, आपको अपने हिसाब से नो कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक को डाउनलोड करना है और इसमें ऐड करना है। आप यूट्यूब पर जाकर पता कर सकते हो, वहां पर आपको काफी सारे यूट्यूबर्स बता देंगे कि आप नो कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक को कहां से डाउनलोड कर सकते हो, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें किस तरीके से ऐड करना है, देखो यहाँ पर आपको ऑडियो का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर आपको सर्च कर लेना कहां पर आपको म्यूजिक है, तो यहाँ पर देख सकते हो मैं एग्जांपल के लिए इस म्यूजिक को इसमें ऐड करके दिखा दे रहा हूँ। आपको इस तरीके से म्यूजिक को ऐड करना है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि जो बैकग्राउंड इमेज है ये वीडियो के लेंथ से काफी ज्यादा बड़ा है, तो आपको क्या करना है, म्यूजिक पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कैंची का ऑप्शन में जाना है, यहाँ पर आपको ट्रिम टू राइट करके इसको कट करके बराबर कर लेना। इस तरीके से आप इसको कर लीजिएगा।
जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक वीडियो के लेंथ से छोटा है तो इसके लिए क्या करना है, आपको म्यूजिक पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको लूप का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके इसको इनेबल करना है। जस्ट उसके नीचे लूप टू एंड का ऑप्शन आएगा, आपको इसको भी इनेबल कर देना। इस तरीके से आप करके फिर आप इस म्यूजिक को पूरे वीडियो में कवर कर सकते हो। आप इस तरीके से इसको कर लीजिएगा दोस्तों। इसके पास म्यूजिक पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको मिक्सर का ऑप्शन में जाना है, यहाँ पर आपको इसके वॉल्यूम को इस तरीके से कम कर लेना है। यहाँ पर मैं इसको 60% पर कर लेता हूँ, अभी आप इसको कर लीजिएगा। इसके बाद इसको छोड़ देना है दोस्तों। इस तरीके से आपको अपनी वीडियो में नो कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड कर लेना है। इसके बाद से क्या करना है, आपको इस वीडियो में अपने चैनल के लोगो या फिर वाटरमार्क को भी इसमें ऐड कर देना, ताकि दोस्तों आपका जो वीडियो फिर से आपका लगे। इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको लेयर पर क्लिक करना है, टेक्स्ट में जाना है। यहाँ पर मैं आपको अपने चैनल के वाटरमार्क को इसमें ऐड करके दिखा दे रहा हूँ, आपको इस तरीके से कर लेना है। यहाँ पर मैं अपने चैनल के नेम को टाइप कर ले रहा हूँ, आपको भी इस तरीके से अपने चैनल के नेम को टाइप करना है। ओके पर क्लिक करना, इस तरीके से आपके चैनल का नेम यहाँ पर टाइप होकर आ जाएगा। आपको क्या करना है, फोन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको इसके फोन को चेंज कर देना है। यहाँ पर मैं इसके फोन को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर आपको काफी सारे फोन मिल जाएंगे, जो भी अच्छा लगे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इस वाले फोन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपको भी इस तरीके से कर लेना है। इसके बाद से क्या करना है, आपको यहाँ पर इसके कलर को चाहे तो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर मैं येलो कर लेता हूँ, अभी चाहे तो इसको कर लीजिएगा इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आउटलाइन का ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसको इनेबल कर देना है, यहाँ पर और भी क्लियर दिखाई देगा दोस्तों। इसके बाद इस पर क्लिक किस तरीके से छोटा कर लेना है, उसको वीडियो में कहीं पर भी लगा देना। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से लगा लेता हूँ ऊपर, तो आप भी इस तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ पर आप इसको बढ़िया से कर लीजिएगा दोस्तों। इस तरीके से करने के बाद से आपको इस पर क्लिक करना है, उसको खींचकर पूरे वीडियो में कवर कर देना, ताकि दोस्तों पूरे वीडियो में आपके चैनल का वाटरमार्क दिखाई देगा, जिससे दोस्तों ये वीडियो ब्रांडेड लगेगा, आपका लगेगा। इस तरीके से आप इसको खींचकर पूरे वीडियो में कवर कर लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपकी वीडियो में वाटरमार्क भी ऐड हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद से आपका वीडियो पूरी तरीके से एडिट हो चुका है फ्रेंड्स। अब आपको इसमें ज्यादा कुछ एडिट करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। आप इसमें चाहे तो सब्सक्राइब बटन को लगा सकते हो, इसमें कहीं पर भी कुछ टाइप करके लगा सकते हो, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। इसके बाद से आप चाहे तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड में यहाँ पर इमेज है फ्रेंड्स, आप इस पर क्लिक करके पेन एंड जूम में जाकर फ्रेंड्स आप यहाँ पर इसको इस तरीके से करके आप इसको जूम कर सकते हो इस तरीके से। अगर दोस्तों आप इस तरीके से कर ले तो इसके बाद से क्लिक करके देखते हो तो यहाँ पर बैकग्राउंड में जो इमेज है फ्रेंड्स यहाँ पर चलता हुआ नजर आएगा। इस तरीके से आपको इसको कर लेना है, चाहे तो अपने हिसाब से कर लीजिएगा, बढ़िया तरीके से आपको एडिट करना है। और दोस्तों इतना कुछ करने के बाद से आपका वीडियो एडिट हो चुका है फ्रेंड्स। आप इसी तरीके से आगे भी क्लिप को चाहे तो इसमें लेकर ऐड करके आप इस तरीके वीडियो को बना सकते हो दोस्तों। इसके बाद से आपको इस वीडियो को सेव कर लेना है, इसके बाद से जाकर आपको अपने चैनल पर अपलोड कर देना है दोस्तों। अगर आप इस तरीके से एडिट करके अपने चैनल पर अपलोड करते हो फिर दोस्तों आपकी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम भी नहीं आएगा, और दोस्तों आपका चैनल भी बहुत ही आसानी से मोनेटाइज हो जाएगा दोस्तों। आपको कैसे इस तरीके वीडियो को सेव करना है, देखो यहाँ पर आपको राइट ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस आएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको इसके रेजोल्यूशन को फुल HD 1080p पर आने देना है, इसके फ्रेम रेट को 30 पर आने देना है, और इसके बिट रेट को आप अपनी वीडियो के MB के साइज के हिसाब से यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको 10 Mbps पर कर लेता हूँ, बढ़िया क्वालिटी आता है, अभी आप इसको कर लीजिएगा। इसके बाद से नीचे सेव एज वीडियो पर क्लिक करना है, और इसको अपने फोन में सेव कर लेना है। इसके बाद से आपको अपने चैनल पर जाकर इस वीडियो को अपलोड कर देना, बढ़िया से टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन और एक यूनिक सा थंबनेल बनाकर दोस्तों। इतना कुछ करने के बाद से अगर आप इस वीडियो को पब्लिक करते हो उसके बाद आपकी वीडियो पर व्यूज की बारिश हो जाएगी दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से मोटू पतलू कार्टून वीडियो को आपको अपने मोबाइल फोन से बनाना है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब और बेल आइकन पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।